वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर डे, अनदर ब्यूटीफुल डे। आज का सीन ये है, मैं और मामा जा रहे हैं नानों की तरफ, क्योंकि कल है ईद मिलाद उन्नबी। सो चलते हैं तैयारियों की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, मैंने ड्रेस चेंज कर लिए, अब मैं ज्वेलरी में पहनने लगी टॉप्स, ये मुझे भाई ने दिए थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसे लगे। और जी, नेक्स्ट स्टेप आता है चूड़ियों का, ये देखिए कितनी प्यारी है, सिल्वर कलर की। मैं अब तैयार श्यार होती हूँ और फिर निकलते हैं। A few moments later. So guys, मैं पहुंच चुकी हूँ। ये देखिए लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं घर जाके आपको और दिखाऊंगी रात के टाइम। और ये मीनार पे कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह कितनी रौनकें होती हैं ईद मिलाद नबी की। घर आगे हमने कस्टमर से बातें शादी की हुई, काफी देर बाद मिले थे, हमारी बातें इकट्ठी हुई थी, फिर खाना लग गया, खाने को एंजॉय किया। और खाने को हजम करने के लिए हम निकले हैं छत पे लाइट्स देखने, मस्जिद की लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है। और फिर निकलेंगे हम वॉक करने। मैं अब आपको लाइट्स दिखाती हूँ और आप मेरी नात सुने, नात के मैं चंद अशार सुनाती हूँ ईद मिलाद नबी के बारे में। आ गए मुस्तफा, आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा, आ गए। कौन देता है देने को, चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। Tomorrow. अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, जो कि ईद मिलाद उन्नबी का। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलाद उन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मस्जिद में केक कट हुआ है और घर आया तो हमने सुबह का नाश्ता ही केक का किया है। कितना प्यारा और यम्मी केक था, मज़ा आ गया था। तो भाई ये देखिए जी, मेरा कज़न असद है, ये भी तैयार हो गया जुलूस के पे जाने के लिए। मैंने कहा तुम्हारी लुक दिखाते हैं सबको। Meanwhile. तो गाइस, मैं आपको दिखाते हैं ईद मिलाद उन्नबी का जुलूस, क्योंकि इसी ईद की वजह से हमें सारी ईदें मिली हैं, हमें सब कुछ मिला है, तो क्यों ना हम इसको जोश खरोश से मनाएं। तो मामू उसको इफ्तिताह करेंगे, मामू उसका। तो आगे आगे आप देखिए। ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ैनते अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मैं मुसल्ली हूँ ज़मीने कादरी मरने के बाद, मैं मुसल्ली हूँ ज़मीने कादरी मरने के बाद, मेरा नाशा अभी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا ذلكم ولكن رسولا يوم القيامة والسلام.
ये देखें जी, जुलूस आगे तक गया, कब्रिस्तान तक जाता है, आगे तक गया तो कितना लंबा हो गया, और इधर आके फिर उन्होंने नारे शारे लगाए, हमारी दौड़े लगती रहती। जब भी जुलूस आता है इधर से, आता है इस गली से, तो फिर हम फौरन भाग के सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं और हम देखने के लिए, बड़ा मजा आता है हमें। तो भाई हमने सुबह केक तो खाया था, वो तो हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। 2-3 घंटे बाद हमें लगी भूख, भी मेहमान ने हमें बड़ा हैवी सा नाश्ता बना के दिया जो कि मुझे बड़ा पसंद है, फ्राई एग, पराठा, शराठा, दही। इधर मैंने नाश्ते को एंजॉय किया। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सबको खुश रहने दें, और मिलिए मेरी बकरी से, आई मीन कज़न की बकरी है ये, बड़ी क्यूट सी है, इससे मिलने आई हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर मोटिवेट करें। मैं समझी नीचे हमारे कमरे तक ना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। वो ये सदमे जी हैं।